हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड विद प्रिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की बर्गर, जो कि हम बिल्कुल देसी स्टाइल से बनाएंगे घर पे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और रिफाइंड ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, एक चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, दो से तीन हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन्हें अच्छे से भून लेंगे तेल में। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है प्याज, फ्रेंच बीन्स और गाजर। प्याज और फ्रेंच बीन्स जो है मैंने अच्छे से कट की है बारीक, और गाजर जो है ग्रेट की है। इन्हें अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे एक कटोरी उबले हुए मटर, एक चम्मच गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और एक चम्मच नमक। ये सारे मसाले जो है मैंने एक एक चम्मच डाले हैं। इन्हें अच्छे से इस मसाले में मिक्स कर लें और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। सारी ये सब्जियां मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसे हम फ्लेम से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद एक कटोरी पनीर ग्रेट किया हुआ, आधी कटोरी चीज़ जो है मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ली है। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 2 से 3 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ और इन्हें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इसके एक बॉल बना के हमें इसे एक टिक्की की शेप देनी है और इसी तरीके से जितनी भी ये स्टफिंग है इसकी हम टिक्कीज बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी टिक्की बना लेंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से इन्हें तैयार किया है। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी मैदा लिया है और इसे हम पानी से इस तरीके का एक घोल सा बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखेंगे हम। अब हमें क्या करना है, ये टिक्की जो है इस घोल में डिप करनी है। उसके बाद हमें इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करना है। तो इस तरीके से इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे और जितनी भी ये टिक्कीज है हमें सभी को इसी प्रोसेस से अच्छे से करके रख लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कोट कर ली है। अब तेल गर्म होने के बाद हमें ये टिक्की जो है फ्राई करनी है। तो गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखें और दोनों तरफ से इन्हें अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। ये देखिए इस तरीके से, और हमारी जो टिक्की है बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे एक प्लेट में रख देना है और इसी तरीके से बाकी सारी टिक्की तैयार कर लें। तो अब हम एक बर्गर बन लेंगे। इसके हम 2 टुकड़े कर देंगे इस तरीके से और नीचे वाले हिस्से में हम बटर लगा देंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें मेयोनीज लगा देंगे और थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल देंगे। टोमेटो केचप भी आप इसमें डाल सकते हैं और मस्टर्ड सॉस भी इसमें लगा सकते हैं। कुछ मैं यहाँ पे कटी हुई बारीक पत्ता गोभी रख रही हूँ, प्याज के स्लाइसेस हो गए, थोड़े से टोमेटो स्लाइसेस हो गए। इसके बाद हम टिक्की रख देंगे, मेयोनीज डाल देंगे। तो मेयोनीज, टोमेटो सॉस, ग्रीन चटनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको जितनी डालनी है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप डालें और चीज़ के स्लाइस हम रख देंगे। ऑनियन, टोमेटो आप अपने अकॉर्डिंग डालें। इसके बाद जो ऊपर वाला बन का पार्ट है उसमें हम बटर, कुछ चटनी, ग्रीन और सॉस लगा देंगे और इसे हम ऊपर से कवर कर लेंगे। अब जो है यहाँ पे बारबेक्यू स्टिक्स आती है, उसे हम बीच से तोड़ लेंगे अगर वो लॉन्ग है तो। इस तरीके से हम बर्गर में से डाल देंगे। तो ये हमारे आलू टिक्की बर्गर जो है बिल्कुल रेडी है। तो ये बहुत ही डिलीशियस बने थे, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बने थे ये। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं। तो अभी मैंने लेटेस्ट जो है पनीर 65 का वीडियो डाला है, तो आपको जो लिंक है वो मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप जरूर चेक करें और प्यार दें मेरे वीडियो को। थैंक यू।